हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिक्रूटमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है। जूनियर एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके बारे में हम आज डिटेल जानने वाले हैं। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी है, सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो आपको ये अगर वीडियो जानना है तो एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जैसे लाइक बटन पर भी प्रेस कीजिए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। सबसे पहले py.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ओपन होने के बाद हमें इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन करना है। अब ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना है। नोटिस बोर्ड पर क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी रिक्रूटमेंट आ गई है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनालिस्ट टेक्नीशियन, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम पूरी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। अब हम ये फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पुदुचेरी की है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए रिक्रूटमेंट आई है। जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है, टेक्नीशियन केमिकल साइंस के लिए है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दो है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएससी किसी का हो फॉरेंसिक साइंस में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए लैबोरेटरी में या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में। इसके सिवा अगर किसी का एमएससी हुआ हो तो वो भी चलेगा फॉरेंसिक साइंस में या फिर केमिस्ट्री में। इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसकी मंथली सैलरी 35,000 है, फिक्स पे है। और अदर पोस्ट जूनियर एनालिस्ट टेक्नीशियन की है, जिसका बायोलॉजिकल साइंस होगा वो फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसकी भी सैलरी 35,000 है। एज लिमिट बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए भी एमएससी किसी का हो फॉरेंसिक साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री में वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीएससी हो तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का। इसके बाद हम वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए वो देखेंगे। इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के साथ एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, हम वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या दिया है वो देखेंगे। इस एप्लीकेशन के साथ हमें अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है डॉक्यूमेंट की, जो कि सपोर्ट ऑफ एज मतलब कि 10th की सनद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जिसकी मार्कशीट 12th का, बीएससी का, और अगर आपका एमएससी हो तो उसकी मार्कशीट, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो भी अटैच कर दीजिए और सारे कॉपीज अटेस्टेड कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, OSD/Director फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स किरुमम्पक्कम पुदुचेरी। यहाँ पे इस एड्रेस पे ये एप्लीकेशन भेजना है। इसकी लास्ट डेट 31 मई है। अगर कोई बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फिल करके भेजना है। आपको एप्लीकेशन करेक्ट और कंप्लीट फिल करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के टाइम पे या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के टाइम पे दिखाने हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी? पहले तो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और एग्ज़ाम के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको ईमेल थ्रू भेजे जाएंगे। इसका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक साल के लिए होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस उनको अच्छा लगा तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ द चेयरमैन फॉरेंसिक डेवलपमेंट बोर्ड विल बी द फाइनल। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पीडीएफ में लास्ट में दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को चिपकाना है। कैपिटल लेटर्स में आपको पूरा नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा तो वो भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके अटैच करने हैं, और ऊपर जो एड्रेस बताया हुआ है मैंने वहाँ पे भेज देने हैं, और डिक्लेरेशन भी फिल करना है। इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।